कि आपने एक ऐसा डिबेटिंग प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? दिल की बात अब बड़ी मुश्किल हो गई है बयान करनी मेनस्ट्रीम मीडिया पे। पर खान साहब आपको इतने बुरे क्यों लगे? बाकी सियासतदानों से मेरा वास्ता ताल्लुक सहाफत में आने के बाद बना है। इमरान खान साहब से मेरा ताल्लुक और वास्ता वो सहाफत में आने से पहले का था। खान साहब का मसला ये है, वो ये समझते हैं कि वो सब कुछ समझते हैं। नई अमरीकी गवर्नमेंट जो है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की? इमरान खान साहब की हुकूमत ट्रंप साहब की वापसी की दुआ मांग रही थी। जो बाइडन को आए हुए कितने दिन हो गए, और इस पूरे वक्त में पहले दिन से पाकिस्तान का फॉरन ऑफिस, पाकिस्तान की एम्बेसी, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो बाइडन के साथ काल हो मुबारकबाद के लिए। आज तक उन्होंने वो मौका नहीं दिया। तो कतर अग्रीमेंट हुआ, उसकी अब कोई बेस रह जाती है या नहीं? उसने तो तालिबान के एक उनका मोराल आसमान पे चला है। क्या यहाँ पर भी अब दोबारा से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? कई सालों के बाद जमात उल अहरार और पंजाबी तालिबान और इसी तरह कुछ और इंडिविजुअल थे, वो दोबारा यूनाइटेड हो गए और उन्होंने मुफ्ती नूर वली जो TTP के सरबराह हैं उनके हाथ पे बेयत कर ली। लगता ये कि सऊदी अरब बड़ा उकताया हुआ सा है, उखड़ा हुआ सा है, दोनों तरफ है आग बराबर है। वो तो मोहब्बत के केस में लगती है। इधर खान साहब तपे बैठे हुए हैं और उधर जो है मोहम्मद बिन सलमान तपे हुए बैठे हैं। जो खान साहब के पीछे हैं वो भी तपे हुए हैं या वो इनको क्या गाइड करके बैठे हुए हैं? क्या कश्मीर हमारे हाथ में है? कश्मीर पे इस वक्त खान साहब की पॉलिसी है कि कोई पॉलिसी नहीं। चीन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। चीनी भी यूं सर पकड़ के बैठे हैं कि अल्लाह ये किन लोगों से वास्ता करवा रहा है।